हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवेश कुमार, आप देख रहे हैं राइट्स एम्प्लाइज। फ्रेंड्स, आज की इस लेटेस्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स पीयूसी सर्टिफिकेट डाउनलोड की। तो पीयूसी सर्टिफिकेट का फुल फॉर्म होता है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, इसे हिंदी में प्रदूषण प्रमाण पत्र भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप पीयूसी सर्टिफिकेट को घर बैठे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ सभी वाहन चालकों को पीयूसी सर्टिफिकेट की बहुत ही जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि सड़क परिवहन विभाग मंत्रालय ने इसकी फैसिलिटी ऑनलाइन डाउनलोड करने की दे रखी है। तो उसी वेबसाइट के माध्यम से आपको हम पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि आप अपना पीयूसी सर्टिफिकेट को आप घर बैठे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोसेस बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो अगर हमारी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको फ्रेंड्स सर्च करना है PUC.parivahan.gov.in के को आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स, जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहला लिंक मिल जाएगा पीयूसी परिवहन सेवा। तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसे आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे PUC.parivahan.gov.in के पोर्टल पर आ जाएंगे। तो जैसे आप पोर्टल पर आएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, कई सारे आपको सर्विस यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको पीयूसी सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे पीयूसी सर्टिफिकेट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो पीयूसी सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे आपको फ्रेंड्स क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और चेचिस नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे अपने बाइक या अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और यहाँ पे चेचिस नंबर का लास्ट के 5 डिजिट को एंटर करना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आपकी बाइक का जो भी नंबर है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे आपको डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपके जो चेचिस का लास्ट 5 डिजिट होता है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो ये नीचे कैप्चर कोड दे रखा है, इस कैप्चर कोड को यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो यहाँ पे मैं कैप्चर कोड को फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद फिलअप करने के बाद पीयूसी डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फ्रेंड्स क्लिक करेंगे तो आपकी पीयूसी जो डिटेल्स होगी वो सारी डिटेल्स ओपन होकर आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो गाड़ी की फोटोज होगी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद इस अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस प्रिंट के ऑप्शन पे आपको फ्रेंड्स क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपकी डिटेल्स होंगी यहाँ पे आपको फैक्स होकर आ जाएगी, जो सर्टिफिकेट नंबर आपका है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद यहाँ पे आपको वैलिडिटी अप्रूव, सारी जो भी आपकी पीयूसी सर्टिफिकेट में सारी डिटेल्स होती वही पीयूसी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपके सामने पूरी डिटेल्स ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ सारी चीजें आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट सेक्शन में आप यहाँ पे बैक और प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है तो यहाँ पे आप अपने प्रिंट अपने पीयूसी सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आप पीडीएफ में जा करके यहाँ पे पीडीएफ का सेक्शन सिलेक्ट कर लेना है और इसको सेव कर लेना है। तो इस पीडीएफ को आप किसी कैफे में जा करके इसका प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने पीयूसी सर्टिफिकेट को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इससे संबंधित सभी जानकारी आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपका कोई इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है या कोई सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा इसका जवाब जल्द से जल्द आपके पास मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं उसका एक नया वीडियो बना देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।